रवीना ने कभी भी एक अभिनेत्री बनने के बारे में कभी नहीं सोचा था, परंतु जब वो प्रहलाद कक्कर विज्ञापन निर्माता के साथ जेनेसिस पीआर में कार्य कर रही थी तो उनके मित्रों और अन्य लोगों ने उनके प्रदर्शन की काफी सराहना की, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बॉलीवुड में कार्य करना चाहिए। शुरुआत में उन्हें फिल्मों में कार्य करना पसंद नहीं था, उन्हें काफी फिल्मों की पेशकश भी की गई परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। परंतु कुछ समय बाद प्रहलाद ने रवीना को आश्वस्त किया कि वो फिल्मों में कार्य करें, जिसके चलते उन्होंने फिल्म फूल और पत्थर में अहम भूमिका अदा की। अपनी युवावस्था के दौरान रवीना संजय दत्त की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। फिल्मों में काफी लोकप्रियता के कारण उन्होंने 2 साल बाद अपनी स्नातक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि कॉलेज के अधिकारियों के लिए उनके प्रशंसकों की भीड़ को नियंत्रित करने में मुश्किलें आ रही थी, जिसके चलते उन्हें कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा। रवीना ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि उनकी अक्षय कुमार के साथ गुप्त रूप से सगाई हुई थी, परंतु अक्षय कुमार अपने निजी जीवन को सार्वजनिक रूप से नहीं लाना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने करियर की बहुत चिंता थी। वो 2 साल तक अभिनय से दूर रहीं। इस दौरान उन्होंने फिल्म जगत की कुछ बड़ी फिल्मों जैसे कि कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, गुप्त में कार्य करने से मना कर दिया। जब अक्षय कुमार और रेखा के बीच प्रेम संबंधों की अफवाह